हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इवनिंग अड्डा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इवनिंग अड्डा में। मैं हूं आपका दोस्त शैल का होस्ट इसके आर्या। चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। हम अपने चलते हैं उसी सीरीज पे जहां पर अभी हमने पढ़े थे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है सीपीयू। जी हाँ, सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात करूँ तो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला जो पार्ट है हमारा, वो है आपके पास सीपीयू। सीपीयू होता क्या है इसको भी समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मैं सीपीयू की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो जैसा कि आप सबको पता है सीपीयू हमारा क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी हम ये कहते हैं कि सीपीयू हमारा क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। यानी प्रोसेसिंग डिवाइस का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी कंप्यूटर को हम इनपुट पास करते हैं उसको प्रोसेस करके हमें जो रिजल्ट देता है वो सारा का सारा काम, एक्चुअल में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर की बॉडी में, ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम में जो मेन वर्क करता है, सारा का सारा काम लेता है, सारा काम मैनेज करता है, वो कौन होता है, हमारा सीपीयू होता है। तो उसी सीपीयू के विषय में हम जानने वाले हैं कि हमारा जो सीपीयू है काम कैसे करता है, इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, वर्किंग टेक्निक्स क्या है, यानी कंप्यूटर सिस्टम हमारा काम कैसे करता है, उसी को हम समझने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू। यानी कंप्यूटर का क्या क्या अंग होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कैसे ये काम करेगा। तो मैं इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में समझ में आ जाए। और वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसी सीरीज को बढ़ाते हैं। हमारा जो टॉपिक है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, अभी मैं एक नॉर्मल सी बात करूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सीपीयू को सीपीयू क्यों कहा गया। देखिए, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मेन तीन फेज होते हैं। पहला आपके पास है इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। तो जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो इनपुट और आउटपुट के मध्य यानी बीच में काम करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेंट्रल। ठीक है, बात समझ में आई आपको। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल इसीलिए नाम आया क्योंकि ये दो यूनिट्स के बीच में काम करता है। अब चलिए इसको समझते हैं। इनपुट यूनिट क्या है? इनपुट यूनिट वो है जहां पे यूजर इनपुट देता है। इनपुट इन द सेंस कि कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर क्या करता है, जो इनपुट डिवाइस है जैसे कीबोर्ड और माउस हम जब यूज करते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट कौन करता है, उस इनपुट डिवाइस को डिटेक्ट कौन करता है, वो सारा काम करता है इनपुट यूनिट। वो जितने भी यूजर ने जो भी इनपुट दिए या इंस्ट्रक्शन दिए कंप्यूटर को, वो इनपुट यूनिट सारे इंस्ट्रक्शन को इकट्ठा करता है और भेज देता है किसके पास, प्रोसेसिंग यूनिट के पास, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास। अब ये यूनिट क्या करती है, सारे काम को प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद जो भी इसका रिजल्ट या आउटपुट होता है वो भेज देती है आउटपुट यूनिट के पास। अब आउटपुट यूनिट ये फाइंड करता है उसके पास आउटपुट को दर्शाने के लिए कौन से डिवाइस है, स्पीकर है, प्लॉटर है, प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है, किस चीज में उसको आउटपुट अपना डिस्प्ले करना है। तो ये आउटपुट यूनिट क्या करती है, उस आउटपुट को रिजल्ट या फिर आउटपुट के फॉर्म में उसको दर्शा देती है। ठीक है, रिजल्ट और आउटपुट में ऑलरेडी हम आपको एक बार डिफरेंस बता चुके हैं, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2 + 2 + 1, अगर मैं इसे 2 + 2 ऐड कर रहा हूं यहाँ पे आंसर आ रहा है 4, दिस इज आउटपुट। और अगर मैं सारा ऐड करके यहाँ पूरा लिख देता हूं तो ये क्या है, हमारा रिजल्ट। यानी आउटपुट जो अंडर प्रोसेस वर्क होता है और रिजल्ट जो फाइनल स्टेट पे जो हमारा आंसर आता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक हमारे पास 100 MB का सॉन्ग है और ये डाउनलोडिंग पे लगा है, अगर 50 MB डाउनलोड हो गया मतलब दिस वन इज आउटपुट, और कंप्लीट डाउनलोड होना वो क्या है, हमारा रिजल्ट। ठीक है, चलिए आगे की मैं बात करूं। यानी एक डेफिनेशन एक छोटी सी निकल के आती है हमारे पास, कंप्यूटर यानी सीपीयू। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जहां पर यूजर इनपुट देता है, मशीन प्रोसेस करती है और हमें डिजायर्ड रिजल्ट और आउटपुट प्रोवाइड करती है। डेफिनेशन को थोड़ा सा बढ़ाता है, ये जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है ये बाइनरी स्टेट पे काम करता है। ठीक है, बाइनरी स्टेट क्या होता है, बाइनरी स्टेट के पास दो स्टेट होते हैं, 0 और 1। 0 का मतलब यहां पे होता है ऑन, सॉरी 0 का मतलब होता है ऑफ या फिर हम फॉल्स को कंसिडर करते हैं। 1 का मतलब होता है ऑन, इसको हम 2 के साथ कंसीडर करते हैं। देखिए, 0 का मतलब होता है या तो कंप्यूटर काम बिल्कुल नहीं करेगा और 1 का मतलब है कंप्यूटर काम करेगा। समझाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कंप्यूटर को एक कमांड दिया। ठीक है, आपने कंप्यूटर को एक कमांड दिया एक पेपर को प्रिंट करने का। अगर प्रिंट करेगा तो कंप्यूटर आपका पूरे पेपर को प्रिंट करेगा, अदरवाइज कोई ना कोई एरर दिखा देगा। कहने का मतलब है कंप्यूटर अगर कोई काम करेगा तो 100% सही करेगा या तो नहीं करेगा। ठीक है, इसी काम को हम बोलते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, इसी काम को हम बोलते हैं एक्यूरेसी। तो हमारा जो कंप्यूटर मार्केट में
हाईलाइट हुआ था वो इसलिए हाईलाइट हुआ क्योंकि उसका मेन कारण था स्पीड और एक्यूरेसी। देखिए स्पीड का मतलब होता है गति और एक्यूरेसी का मतलब होता है परिशुद्धता, कितनी स्पीड से हमारा कंप्यूटर काम करता है और कितना करेक्ट यानी कितना सही काम करता है, इसी खूबी के लिए हमारा कंप्यूटर मार्केट में बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था। अभी डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं, फिर से समझते हैं अपने डेफिनेशन को। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बाइनरी स्टेट्स पे काम करती है, जहां पर यूजर इनपुट पास करता है, ठीक है, और प्रोसेसिंग डिवाइस यानी हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है उस इनपुट को प्रोसेस करती है स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ और डिजायर्ड आउटपुट और रिजल्ट हमें प्रोवाइड कराती है। तो ये हो गया एक ब्लॉक डायग्राम की एक रफली स्ट्रक्चर या फिर एक डेफिनेशन। एक बार फिर से समझते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि बाइनरी स्टेट पे काम करती है, जहां पर यूजर इनपुट पास करता है और ये प्रोसेस करती है स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ और फाइनली हमें रिजल्ट या आउटपुट के फॉर्म में चीजें प्रोवाइड कराती है। अब ये तो बात होगी कि पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की, और अगर मैं प्रॉपर सीपीयू की बात करूं तो सीपीयू के अंदर मेजर तीन फैक्टर होते हैं आपके पास। पहला है आपके पास एएलयू, एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला आपके पास है एमयू, मेमोरी यूनिट। लास्ट वन इज सीयू, मतलब कंट्रोल यूनिट। समझाते हैं इनका क्या यूज है। देखिए आप अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग किताब में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन एक कॉमन सा सिंपल सा एक आपको फैक्ट समझाते हैं ये काम कैसे करता है। देखिए एएलयू का मतलब है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये जो एएलयू आपके पास नजर आ रहा है, कंप्यूटर में जोड़ना घटाना गुणा भाग जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो हमारा एएलयू परफॉर्म करता है, प्लस जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है समझाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपसे कहा जाए कि अगर आपसे हम ये कहें कि हमें एक पेज में एक पेज टाइप करना है, ठीक है, तो अब अपने लॉजिक्स के हिसाब से आप बता सकते हो कि हमें एक पेज को टाइप करने में कितना समय लगेगा। कैसे, आप अपने एक्सपीरियंस के बिहाव पे बताते हो। तो वैसे ही कंप्यूटर के पास कुछ अपने लॉजिक्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप एक सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, 500 MB का एक सॉन्ग है या एक मूवी आप डाउनलोड कर रहे हैं, और जिस हिसाब से आपके इंटरनेट की स्पीड आएगी उस हिसाब से आपको यहाँ पर टाइम दिखा देगा कि ये 5 मिनट में होगी, 50 मिनट में होगी, 15 मिनट में होगी। नेटवर्क जैसे ही फ्लक्चुएट होगा अपने स्पीड की, जैसे कि इंटरनेट की स्पीड जो होगी वो फ्लक्चुएट होगी, उसी हिसाब से आपका ये जो रेशियो है कम ज्यादा होता रहता है। तो ये कौन बताता है, एक लॉजिक, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लॉजिकल यूनिट। तो हम ये कह सकते हैं जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है ये मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस पे काम करता है। और अभी अगर हम बात करें मेमोरी यूनिट की, देखिए मेमोरी यूनिट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि ये जो मेमोरी यूनिट आपको नजर आ रही है, ये मेमोरी यूनिट क्या करती है, आपके इंफॉर्मेशन, ठीक है, और डेटा को स्टोर करती है। देखिए यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, दोनों सिमिलर लगते हैं, इन्फॉर्मेशन और डेटा हमें बोलने में, लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर होता है। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जब हम पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की बात करें, ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की बात करें, और डेटा क्या होता है, एक रॉ कलेक्शन होता है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन का एक ऐसा कलेक्शन जिसकी हमें करंट टाइम पे नीड या रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन। एक एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा एक फोन है, कॉन्टेक्ट नहीं, हमारा सेल फोन है या फीचर फोन है, इसमें 100 कॉन्टेक्ट नंबर सेव है, वो 100 कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास अभी करंट टाइम पे किसी काम के नहीं है, लेकिन हम उस 100 कॉन्टेक्ट में किसी एक पर्टिकुलर बंदे को सर्च करते हैं और उसे कॉल करते हैं, ये हमारे लिए क्या है, इन्फॉर्मेशन, और बचे हुए सारे रिमेम्बर्स क्या है हमारे पास, डेटा। क्लियर हुआ, इन्फॉर्मेशन जब हम किसी एक व्यक्ति के विषय में बात करें और डेटा जब बहुत सारे व्यक्ति के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो बट हमें नीड ना हो, ठीक है। अभी हम आते हैं सीयू पे, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट। देखिए एक चीज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर मैं सीपीयू की बात करूँ तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन होता है, पूरे कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। और अगर मैं कंट्रोल यूनिट की बात करूं तो ये हार्ट होता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर मस्तिष्क और दिल दोनों चीजें होती हैं। कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ, केवल सीपीयू की नहीं बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो क्या है, सीपीयू,
और अगर हार्ट की बात करें, हार्ट का मतलब दिल, तो कंप्यूटर का जो दिल होता है वो क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का फंक्शन क्या होता है, ये ओवरऑल कंप्यूटर में होने वाले सारे फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है, इनपुट यूनिट को भी, प्रोसेसिंग यूनिट को भी और आउटपुट यूनिट को भी, ओवरऑल सारे फंक्शन जो करता है कंट्रोल करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।